बच्चा बूढ़ा या हो जवान, हर किसी के लिए इसे बनाना है आसान। भूख लगे और कुछ ना सुझाए तो बस एक ही चीज याद आए, मैगी मैगी मैगी। स्वागत है आप सभी का हेमा की दुनिया में। आज आपके लिए लेकर के आए हैं स्पाइसी मसाला मैगी रेसिपी। मिनटों में बन जाती है और बहुत ही टेस्टी लगती है, तो चलिए जल्दी से आपको इसको बनाने की विधि बताते हैं। स्पाइसी मसाला मैगी बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है एक मैगी और एक बारीक कटा हुआ प्याज, एक बारीक कटा हुआ टमाटर, एक हरी मिर्ची, इसको भी बारीक काट लिया है, और बटर लिया है। बटर में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है मैगी का। और टमाटो केचप लिया है, वेनेगर लिया है, यहाँ पर वाइट वेनेगर है ये, तो वेनेगर लिया है। और हमने लिया है ऑरेगानो, और हमने लिया है चिली फ्लेक्स ताकि ये स्पाइसी बने, और नॉर सूप लिया है ताकि मैगी में थोड़ा सा सूपी टेस्ट भी आ जाए, बहुत ही टेस्टी बनेगी इससे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं मैगी बनाना। तो गैस की फ्लेम यहाँ पे हमने ऑन कर दी है, कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई जैसे ही गर्म हो जाएगी हम इसमें ऐड कर देते हैं बटर। तो ये हमने बटर ऐड कर दिया है और बटर मेल्ट होना शुरू हो गया है, पिघलना शुरू हो गया है। और जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा अच्छे से, हम इसमें ऐड कर देंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो ये देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम ऐड कर देते हैं प्याज। प्याज को हमें अच्छे से फ्राई करना है लाइट ब्राउन होने तक। हम इसको अच्छे से चला देते हैं और प्याज थोड़ा जल्दी गल जाए, जल्दी से थोड़ा सा इसका कच्चापन निकल जाए, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा स्पून से भी थोड़ा कम नमक। ज़्यादा नमक मत डालिएगा दोस्तों, क्योंकि जो मैगी हमारी होती है उसके मसाले में नमक होता ही है, तो बहुत लाइट नमक मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करने जा रही हूँ हरी मिर्ची बारीक कटी हुई, और अब टमाटर मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और इन सब को अच्छे से फ्राई करना है। अब हमें बटर में मैगी का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं जब भी मसाला मैगी बनाती हूँ मैं बटर में ही बनाती हूँ। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी ऑरेगानो, तो ये आधा चम्मच मैंने ऑरेगानो ऐड कर दिया है इसमें। मिक्स कर देते हैं इसको, और अब ऐड करती हूँ रेड चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच से भी थोड़ा कम है रेड चिली फ्लेक्स। एक हरी मिर्च हम पहले से ही ऐड कर चुके हैं मैगी में, और अब हमने ऐड कर दिया है रेड चिली फ्लेक्स, तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाती है मैगी। और अब मैं ऐड करने जा रही हूँ चुटकी भर हल्दी, ताकि थोड़ा सा येलोइश कलर एनहेंस होकर के आए। और गैस की फ्लेम कम कर दी है, मिक्स कर देते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से। और अब मैंने ऐड कर दिया है मैगी मसाला, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारे मसाले हमें अच्छे से फ्राई करने हैं। और अब एक चम्मच नॉर सूप ऐड कर दिया है, नॉर सूप ऐड करने से थोड़ा सा सूपी टेस्ट आ जाता है। और अब मैंने ऐड कर दिया है आधा ग्लास पानी, क्योंकि मैंने ये छोटा ग्लास लिया है इसलिए ये फुल था, तो बड़े ग्लास से अगर आप डालेंगे तो आधा ग्लास पानी। और अच्छे से सारे मसाले मिक्स कर दिए हमने पानी में। थोड़ा सा मैं नॉर सूप और ऐड करती हूँ, आधा चम्मच, तो थोड़ा सा और ऐड कर दिया, इसको अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। पानी मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो इसलिए मैं आधा ग्लास पानी और ऐड करूँगी। तो मैंने अपने उसी छोटे ग्लास से आधा ग्लास पानी ऐड कर दिया है, आप मान के चलिए आधा कप पानी। और गैस की फ्लेम जो है हम बढ़ा देते हैं, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी वेनेगर। तो बॉटल के ढक्कन से ही मैंने वेनेगर ऐड किया है, तो एक ढक्कन वेनेगर मैंने इसमें डाल दिया है।
और इसको मिक्स कर देते हैं। और अब पानी को थोड़ी देर पकने देते हैं। तो ये देखिए पानी जो है वो पक चुका है और अब इसमें मैं मैगी ऐड कर देती हूँ। मैगी को मैंने क्रश कर दिया है और अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं और गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। और अब बस लो फ्लेम में हमें इसे पकाना है। अब पूरा पानी इसका सूख जाने दीजिए ताकि मैगी अच्छे से गल जाए। तो अब इसे मैं ढक देती हूँ प्लेट से। अब 2 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन हटाएंगे फिर से और अब हम इसमें इसे चलाते हैं थोड़ा सा। और अब मैं यहाँ पर इसमें ऐड करूँगी टमाटो केचप। तो मैंने बॉटल के कैप से ही ऐड कर दिया है। ये एक ढक्कन टमाटो केचप डाल दिया है। आप 1 से 1.5 चम्मच टमाटो केचप ऐड कर दीजिएगा। केचप ऐड करने से बाद में मुझे मैगी के साथ केचप लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ही मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और आपको भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ऐसे केचप डाल देंगे पहले से ही। इसको ढक देते हैं। बीच बीच में इसे चेक करते रहेंगे दोस्तों। ये देखिए अभी मैगी पूरी तरीके से नहीं बनी है, पानी नहीं सूखा है। तो फिर से इसको थोड़ा सा चला करके फिर से इसको हम ढक के रख देंगे। मैं पूरी तरीके से इसका पानी नहीं सुखाऊंगी। थोड़ा सा मुझे इसमें सूपी 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 वाला फ्लेवर चाहिए। तो ये देखिए अब मैगी मेरी तैयार हो चुकी है। पानी बस बहुत ज़रा सा रह गया और मैगी बन गई है। तो अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम जो है बंद कर दूंगी। ये देखिए मैगी बिल्कुल तैयार है। तो गैस की फ्लेम मैं कर देती हूँ बंद और अब मैं इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी। तो 2 मिनट बाद मैगी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये थी स्पाइसी मसाला मैगी रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।